ब्रिटेन का ड्यूरेंस पॉल, जिसने 14 साल तक जेल की सलाखों के पीछे बिताए, जिसने जुर्म की सारी हदें पार कर दी, जिसने दो बच्चों की मां को ऐसी भयानक और दर्दनाक मौत दी जिसे सुनकर इंसान की रूह कांप जाए, जिसने 41 साल की अपनी गर्लफ्रेंड को मार कर खाया। ये कहानी है हिंदुस्तान से करीब 7,937 किलोमीटर दूर स्पेन की, जहां कैरन नाम की महिला को ड्यूरेंट्स ने मार कर खाया था। दरअसल बात फरवरी 2004 की है, जब कैरन करीब एक हफ्ते तक अपने फ्लैट से बाहर नहीं निकली तो उसके पड़ोसियों को शक हुआ, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने जब कैरन के फ्लैट का गेट तोड़ा तो फ्लैट के अंदर का मंजर देखकर वो सिहर गए। हर तरफ खून फैला हुआ था। उस फ्लैट की हालत ऐसी थी जैसे किसी ने वहां खून से होली खेली हो। पुलिस ने जब इस मामले की जांच शुरू की तो पता लगा कैरन का एक बॉयफ्रेंड भी है जो गायब है। पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की और काफी मशक्कत के बाद ड्यूरेंट्स पॉल को पकड़ लिया। पहले तो वो अपने गुनाहों को टालता रहा, मगर लगातार पुलिस के सवालों से वो टूट गया और उसने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने ही कैरन की हत्या की है। आपको बता दें कि उसने पुलिस को बताया कि उसने हथौड़े से कैरन को मारा, मगर यह हैवान इतने पर ही नहीं रुका। हत्या के बाद इसने कैरन की लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए और उसकी बॉडी के कुछ हिस्से खाए भी। हालांकि पुलिस को कैरन की बॉडी तो बरामद नहीं हो सकी, लेकिन अदालत में उसके एक दोस्त ने बताया कि पॉल ने उसके सामने भी गर्लफ्रेंड की हत्या कर उसका मांस खाने की बात कही थी। इस हैवानियत के मामले में उसे 14 साल की जेल हुई और 14 साल जेल की चार दीवारियों में रहने के बाद आज ये हैवान लंदन में रह रहा है। गौरतलब है कि ड्यूरेंट्स की रिहाई के बाद कैरन के परिवार वाले काफी दुखी थे, क्योंकि जिसने उनकी बेटी को ऐसी दर्दनाक मौत दी वो उनकी आंखों के सामने आजाद घूम रहा था। कैरन के परिवार का कहना था कि पॉल ने जब खुद ही अपना जुर्म कबूल कर लिया था, इसके बाद उसे रिहा करना सही नहीं है। कैरन का परिवार ये सोचना भी नहीं चाहता कि उनकी बेटी का हत्यारा आज सड़कों पर आजाद घूम रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।